आरएसएस से जुड़े डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने आज जम्मू पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में संघ परिवार की तमाम जिली तंजीमों के साथ तफसीली बातचीत की। फीडबैक लेने के लिए डॉक्टर कृष्ण गोपाल की सदारत में आज समन्वय बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कारकर्दगी भी जेर बहस रही। संघ परिवार की तमाम तंजीमों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम इजलास में विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, एबीवीपी, सेवा भारती, विद्या भारती, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, धर्म जागरण मंच और दूसरी तंजीमें शरीक हुईं। तमाम तंजीमों ने जम्मू कश्मीर में अपने कामकाज की तफसील आरएसएस लीडर के सामने पेश की। आरएसएस हायरकी में तीसरे नंबर पर माने जाने वाले डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने आज एक मैराथन बैठक ली संघ परिवार के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स को, जिसमें खासकर बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, जागरण मंच है, इसी तरह से भारतीय मंच है, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन 12 संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के साथ तकरीबन 5 घंटे तक मैराथन बैठक ली। इसी हेडक्वार्टर पे, जो कि केशव भवन है यहाँ जम्मू में, इस हेडक्वार्टर पे एक मैराथन बैठक ली है। उन्होंने कल शाम को यहाँ पे पहुंचे थे और इस मैराथन बैठक में फीडबैक लिया है। उन्होंने सभी जो संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती है वो किस तरह से काम कर रही है, उन्होंने पिछले कई महीनों से क्या क्या वेलफेयर स्कीम उसको लॉन्च किया, किस तरह से जो पार्टी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उनको किस तरह से जमीन सतह पे उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया और किस तरह से वेलफेयर स्कीम जो मोदी सरकार ने चलाई है पिछले 9 साल से, वो किस तरह से उन्होंने जमीन सतह पे लोगों को इससे एक तरह से इन्फॉर्मेशन दी, उनको मालूमात दी, उस पर ये मैराथन बैठक हुई है। और इस आरएसएस हेडक्वार्टर में ये बैठक जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख के जो एक्टिविस्ट हैं आरएसएस के, उनके साथ उन्होंने ये बैठक की, लंबी बैठक चली। और खासकर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अगले अब चुनाव मोड में आने वाली है, अगले साल लोकसभा के इलेक्शन है। इस साल जो है अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल और पंचायत पोल्स हैं, असेंबली पोल्स के लिए भी अगले साल कहा जा रहा है कि हो सकते हैं इलेक्शन, तो उसके लिए भी किस तरह से बीजेपी मजबूती हासिल करे, बीजेपी को किस तरह से बाकी जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से बूथ स्तर पर उनको मदद करे, वो एक बड़ा चिंतन बैठक में हुई। और जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेशन किस तरह से और मजबूती लाए, देखिए संघ परिवार की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है तो उनमें, उनकी लीडरशिप में, उनके वर्कर्स में किस तरह से जमीनी सतह पे एक दूसरे के साथ और ज्यादा कोऑर्डिनेशन, एक और ज्यादा मजबूती से कोऑर्डिनेशन बनाई जाए, तो उसके लिए यह मंथन हुआ और कई निर्देश दिए गए। सिक्योरिटी सिचुएशन पे बहस हुई, जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन है और खासकर धारा 370 अब जो सुप्रीम कोर्ट में है उस पर किस तरह से पार्टी का, आरएसएस का स्टैंड रहेगा, संघ परिवार की जो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उसका, उस पर स्टैंड रहेगा, और खासकर जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको किस तरह से जमीनी सतह पे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, और जो आरएसएस का विस्तार करना है, जो शाखाएं लगती हैं उनको किस तरह से और ज्यादा उनपे विस्तार करना है, उस पर मंथन हुआ। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई और इंडोर बैठक हुई, ज्यादा उससे, इन बैठकों से ज्यादा बाहर नहीं निकलता, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो पार्टी के, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, और जो समन्वय है एक दूसरे के साथ उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए ताकि सभी जो संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन है उनका विस्तार हो सके, लोगों को उन पर भरोसा हो, और जो लोग अभी तक गलतफहमी जिनको है आरएसएस के बारे में या बीजेपी या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको दूर किया जाए, और जो अपोजिशन पार्टी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं उनको किस तरह से काउंटर किया जाए, और उसमें बीजेपी को किस तरह से सहयोग दिया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। कैमरामैन बंटी में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तकसीम करने वाली सियासत मणिपुर में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस मामले पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है, एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है।
आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, उनने इसका जवाब दिया है, उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमें भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के छठा फार्म का मुआयना किया। यहां काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कैनबिस कल्टीवेशन फील्ड वाक़ है। जितेंद्र सिंह ने इंस्टीट्यूट में भांग की काश्त के तरीकों और भांग के पौधों पर होने वाली तहकीक के काम के बारे में मालूमात हासिल की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भांग की तहकीक का यह मरकज पूरे भारत में अपनी नौयत का पहला इदारा है। उनका कहना था कि पीएम मोदी इस प्रोजेक्ट में शख्सी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसी दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर के अफसोसनाक वाक़े को लेकर अपोजिशन सियासत करने की कोशिश कर रही है। उनका ताहम कहना था कि अपोजिशन का नया इत्तेहाद हुकूमत के लिए कोई नया चैलेंज नहीं खड़ा कर सकता। जितेंद्र सिंह ने पुलवामा हमले पर शुकुक शुबात का इजहार करने पर ममता बनर्जी को निशाना बनाया और कहा कि ऐसी जबानबाजी से, बयानबाजी से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले वाकई पस्त हो जाते हैं। अपोजिशन इज ट्राइंग टू फाइंड पॉलिटिकिंग आउट ऑफ इट। आई थिंक इट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू राइज अबाउट दिस, बिकॉज दिस सडनली एज प्राइम मिनिस्टर सेड, दिस इज समथिंग द एंटायर नेशन शुड फील कंसर्न्ड अबाउट, एंड इफ वी ट्राई टू ड्रॉ पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, दैट मीन्स समवेयर वी आर एक्चुअली लूजिंग दैट सेंस ऑफ प्रपोर्शन विच वी शुड हैव एक्सरसाइज। जब प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मुझे लगता है उसके बाद कुछ उस वाद में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, सारे देश ने सुना कि जो भी हुआ है उससे सारा देश शर्मसार है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। द होल ऑफ द नेशन इज अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड इन पुलवामा एंड द मैनर दिस वाज अवेंज्ड आल्सो बाय दिस गवर्नमेंट। इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्राइड इन दैट, वी आर ट्राइंग टू डेनिग्रेट आर फोर्सेज, आर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट एंड अबव ऑल द क्लियर एंड सिंसियर इंटेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों, डीसीसी सुदूर और सरकर्दा कारकुनों की एक मीटिंग श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत पीसीसी सदर वकार रसूल वानी ने की। जम्मू कश्मीर में आइंदा अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन और पंचायती चुनाव पर मीटिंग में तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वकार रसूल वानी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोकल बॉडी, पंचायत, असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा समाजी व सियासी सूरत हाल भी जेर बहस रही। जेके पीसीसी के साबिक सदर पीरजादा मोहम्मद सईद, जीएन मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट, श्रीनगर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने भी इस इजलास से खिताब किया। मीटिंग का अनुमान जो है वो आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो सारे ही ड्यू हैं। असेंबली का इलेक्शन में छठा साल हो गया, अभी तक हुए नहीं, लेकिन इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, उसकी तैयारी के बारे में। पार्लियामेंट का इलेक्शन अगले 6-7 महीने में ड्यू है, वो भी होगा ही, उसकी तैयारी की बात है। इसी तरीके से म्यूनिसपैलिटी और पंचायत इलेक्शंस हैं, उसकी तैयारी की बात है। तो सब डिस्ट्रिक्टों से दो दो तीन तीन जो सीनियर्स हैं उनने बात रखी, और हमारा 6 अगस्त को एक कन्वेंशन है जिसमें हमने पीआरआई सारे बुलाए, सरपंच, पंच, म्यूनसिपल काउंसलर्स जो भी कांग्रेस के हैं सबको हमने 6 अगस्त को एक टाइम दिया है, टेंटेटिव टाइम फिक्स किया है कि एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होगा हमारा। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। रियासती सदर रकीब रशीद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जहूर कादरी, पार्टी के दीगर अरकान इस मौके पर मौजूद थे। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी जो 17 अगस्त को अपनी पहला योम तासीस मनाएगी, इसी मौके पर आइंदा यूएलवी म्यूनसिपल, पंचायत और असेंबली इंतखाबात के लिए मैंडेट का ऐलान भी करेगी। लीडरों ने पार्टी की सरगर्मियों से मीडिया को वाकिफ कराया। 17 अगस्त जो आने वाला है तो उस दिन हमारी पार्टी को 1 साल पूरा हो जाएगा। उस दिन हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, और जैसे कि हम 1 साल से लोगों के बीच में बोलते आ रहे हैं कि हम यूथ को आगे ले लेंगे, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को आगे ले लेंगे, और रिसेंटली हमने एक मैंडेट अनाउंस किया है, हु इज द फर्स्ट केएस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 17 अगस्त तक हम
सारे मैंडेट अपने अनाउंस करेंगे, काउंसलर्स की लिस्ट दे देंगे और लोग ये देखेंगे कि हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे कि यहाँ के यूथ को मौका दिया जाएगा, व्हाइट कॉलर पर्सन्स को मौका दिया जाएगा और हमारी पार्टी में उनको जगह मिलेगी जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, तो उस वादे को मतलब पूरा करेंगे हम, ताकि लोगों के बीच में जो उन्होंने हम पे भरोसा किया हुआ है और इस टाइम तक हमने 50,000 से ऊपर मेंबरशिप्स क्रॉस की है जम्मू कश्मीर में, तो हम 17 अगस्त को पूरे अपने मैंडेट्स जो 90 मतलब सीट्स पे हैं वो अनाउंस करने वाले हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील प्रजापति आज कुपवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने वर्करों के साथ मीटिंग की। उन्होंने ओबीसी और दीगर तबके के लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में वर्करों से मुफस्सल जानकारी हासिल की और कहा कि वो ओबीसी जुमरे के तहत लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उससे इस्तेफादा करने के लोगों को तरकीब दी जाए। उनके हमरा सीनियर वर्कर भी मौजूद रहे। पसमंदा समाज है यहाँ पे, उनका हालचाल, कितनी स्कीमें यहाँ पे पहुँच रही हैं वो सारा पता करने आया था, लोगों के मसले क्या हैं, उनसे बातचीत हुई है और बड़ा कुछ सामने आया है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे चुने गए हैं दूसरी हुकूमत के, वो कुछ उसमें हेर फेर कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ की जो हुकूमत है उनसे ये आग्रह है कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फंड्स हैं वो सबके लिए बराबर दिए जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हमारी पार्टी का या दूसरी पार्टी का है। हमने कोशिश करी इनको ये कन्विंस करने के लिए कि ये लोग जो है मुतरिक हो जाएं और जो इस वक्त हमारे आने वाले टाइम में असम्बली की इलेक्शन तो बाद में होंगे कभी, लेकिन पंचायत और जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है उसमें ओबीसी कम्युनिटी भरपूर के हिस्सा ले, अपने नुमाइंदों को चुने ताकि इनके काम हों और एक सिस्टमेटिक जो सरकार ने इनके लिए हुकूक रखे हैं, जो स्कीमें रखी, जो फ़ायदे हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लें और इनको जो पॉलिटिकल एक वैल्यू हो और पॉलिटिकल जो एक इनकी जो एक लीडरशिप है वो उभर के सामने। मरहूम गुलाम नबी सोगामी की 42वीं बरसी पर एनसी ने सोगाम लालाब में जलसा रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। इनके मकबरे में फातिहा खानी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी की सरबराही में जिला सदर एनसी कैसर जमशेद लोन, मीर सैफुल्ला और जावेद डार के अलावा दीगर लीडर फातिहा खानी में शामिल रहे और गुलबारी के बाद उनकी याद में गिरहटी कुपवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन मुनाकिद किया गया, जिसमें मरहूम गुलाम नबी सोगामी की जिंदगी पर रोशनी डाली गई और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। तक लोग उनको याद करते हैं। आज लोगों का इसरार था कि चूंकि उन्होंने पूरे ज़िले के लिए काम किया है तो इसलिए ये ज़िला हेडक्वार्टर पे ही आज हम इसका जो है दुआए मजलिस और ये जलसा जो मुनक़द करें उस सिलसिले में आज यहाँ हम जमा हुए। मरहूम गुलाम नबी सोगामी साहब की याद में उनकी 42वीं बरसी पर हम यहाँ जमा हुए थे उनके इसाल सवाब के लिए और जो उन्होंने कारनामे किए हैं उन पे रोशनी डाली गई। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का कि लीडरशिप का, और इंशाअल्लाह रहमान यहाँ की पूरे ज़िले की मैं बात करूँगा, पूरे ज़िले की लीडरशिप मुतहद है और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस ज़िले से सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही झंडा बुलंद होगा। देखिए जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जो मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात ही नहीं एक तहरीक है, लिहाजा डिलिमिटेशन कहाँ से कौन सा इलाका कहाँ गया उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। अंजू नाम की एक हिंदुस्तानी लड़की अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। दर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अंजू ने नसरुल्ला से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि अंजू यूपी की रहने वाली है। नसरुल्ला ने उसे बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुला लिया। अंजू स्कूल टीचर थी, फिलहाल वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के का काम कर रही थी। अंजू और नसरुल्ला ने तस्दीक की है कि वो सोशल मीडिया पर मिले थे। सीमा हैदर की पबजी फ्रेंड से मुलाकात के बाद यह नया एपिसोड सामने आया है। करगिल जंग के शहदा की याद में हरिनिवास जम्मू में बाइक रैली निकाली गई। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर आला अहदेदार भी मौजूद थे। करगिल के शहदा की कुर्बानी को याद किया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। कारगिल वार हीरोज को अपनी ट्रिब्यूट देने के मकसद से आज जम्मू से एक बाइक रैली निकाली गई है, जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है एसएसपी सीआईडी संजय प्रसाद साहब से। संजय जी, जिस तरह से यूथ अब इन्वॉल्व हो रहा है और सोशल काज के लिए आगे आ रहा है, आपको कितना अच्छा लगता है ये?
काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे यूथ जो है, हम बोलते हैं यूथ इज़ ऑलवेज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, यूथ को ही कल को आगे, जैसे यूथ की सोच होगी, जैसे उनका तरीका होगा, उसी से अपनी कंट्री को हम देखते हैं कि वो प्रोग्रेसिव होगी। तो ये एक अच्छी सोच है, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि ये एक रैली लेके यहाँ से जा रहे हैं, बाइक रैली लेके जा रहे हैं। और एक कारगिल, जो हम जानते हैं कि वहाँ हमारा शहीद दिवस है, वहाँ पे वहाँ तक जा रहे हैं। तो एक यूथ के लिए ये सोच है कि यूथ को हार्डवर्किंग बनना है, नेशनलिस्ट बनना है और अपनी कंट्री के प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट करना है। देख सकते हैं इसमें नौजवान जो बाइकर्स हैं वो इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि जो हमारे सही रियल हीरोज हैं, जो जिन्होंने कारगिल में अपनी जान गंवा दी सिर्फ देश की खातिर, देश को बचाने के लिए, उनको अपनी ट्रिब्यूट देने के मकसद से ये लोग जम्मू से निकले हैं कारगिल के लिए। और ये कारगिल जिस दिन शहीदी दिवस है, मार्टिर्स डे है, उस दिन कारगिल पहुंचेंगे और अपनी ट्रिब्यूट देंगे। बस दिल में याद है और उन्होंने जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया उसको पूरे याद करेगा पूरा भारत। इनसे बात करेंगे, कैसे याद करते हैं कुर्बानी को और ये बाइक रैली के माध्यम से क्या मैसेज है? बिल्कुल सही है कि हम चाहते हैं कि जो आगे आने वाली नई जनरेशन है वो इस चीज़ को याद करे कि हमारी यहाँ पर जो नेशनल इंटीग्रिटी है, सॉवरेंटी है और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, इसको बचाने के लिए हमारे शहीदों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, हमारे फौजियों ने कुर्बानियाँ दी है। और ये जो आज़ादी आज हमें मिली है वो सिर्फ ऐसे नहीं मिली है, उसके पीछे बड़ा हमारे जवान वीर जवानों का खून बहा है। उस खून को आज, उन वीर जवानों को आज हम श्रद्धांजलि पेश करेंगे, तो उनका शुक्रिया करेंगे, उनकी फैमिलीज को शुक्रिया करेंगे। अभी हम निकल रहे हैं उनके लिए, जय हिंद जय भारत। देखिए जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम बस ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग उन्हें भूले नहीं है। में बहुत एक तरह से उनके लिए मैसेज ये है कि आप देश की रक्षा में लगे रहें, हम आपके साथ हैं। और जब तक जम्मू की जो जितना यूथ है, जब पूरा देश, समूचा देश जो है वो अपने जवानों के साथ खड़ा हुआ है, इस बात का यकीन दिलाने के लिए आज बाइकर्स, ये नौजवान बाइकर्स जम्मू से निकले हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू।